हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज सबसे पहले आप सभी को रमज़ान मुबारक। गाइज रमज़ान का महीना है, बहुत ही अच्छा महीना है गाइज। तो आप लोग भी देखना, अगर एक महीना तक अच्छे काम कर सके तो करो, एक महीना तक या हमेशा करना, एक महीना तक करोगे तो आपका आदत बन जाएगा अच्छा काम करने का। इसीलिए रमज़ान का महीना है, बहुत ही अच्छा महीना है गाइज। आप लोग भी अच्छे काम करो और आगे भी अच्छे काम करते रहोगे। तो गाइज आज ये वीडियो मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज हम मॉन्स्टर ऑफ ग्लोरी नहीं खेलने वाले, आज हम खेलने वाले पोकेमॉन सन एंड मून। तो पोकेमॉन सन एंड मून मैंने डाउनलोड तो करा था लेकिन मैंने अभी तक खोला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसा गेम रहता है पोकेमॉन सन एंड मून। मेरे फ्रेंड ने कहा बहुत ही अच्छा है और मैंने यूट्यूब में भी देखा था कि ये बहुत ही अच्छा गेम है। तो देख लेते हैं, पहले मैं ये लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आप सभी से बात। गाइस यहाँ से मैं गेम में जो है म्यूजिक स्टार्ट हो चुका था, इसीलिए मैंने उसका म्यूजिक बंद कर दिया। मैंने बहुत ही कुछ बोला था लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। एंड गाइस यहाँ पर मैंने क्या करा था, बोल रहा था मैं S5 से ही स्टार्ट करूँगा। अभी ये गेम स्टार्टिंग ही हुआ है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये गेम को स्टार्ट हुए, इसीलिए S5 तक ही है। तो अगर आप लोग खेल सकते हो तो अभी आप लोग स्टार्टिंग से ये गेम में मतलब मास्टर कर सकते हो और आप लोग पावरफुल भी हो सकते हो। तो ये गेम में मुझे उतना कुछ समझ नहीं आ रहा था गाइस, आई डोंट नो क्या चल रहा था ये गेम में। तो ये लोग बस ट्यूटोरियल दिए जा रहे थे और भाई मैं ट्यूटोरियल करे जा रहा था एंड बहुत ही देर तक ट्यूटोरियल करना पड़ा, उसके कारण म्यूजिक बज रहा था और मैं बोल रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर मैं बोला था भाई उस बंदे के पास चारिजार्ड का माउंट भी है, वो भी चारिजार्ड एक्स का। एंड गाइज ये गेम का ग्राफिक देखो यार, कितना ही अच्छा ग्राफिक लगा मेरे को। एंड भाई उसके पास चारिजार्ड का माउंट था यार, मेरे को बहुत ही ज़्यादा सही लगा वो। एंड ग्राफिक आप देखो बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण मेरा मोबाइल थोड़ा सा लैग भी कर रहा था क्योंकि अभी मेरे पास उतना पावरफुल मोबाइल नहीं है, पर मैं फ्यूचर में पावरफुल मोबाइल लूँगा। एंड गाइज आप देख सकते हो ग्राफिक बहुत ही अच्छा था। एंड यहाँ पर मैं बस क्लेम ही करे जा रहा था, मुझे बार बार कुछ ना कुछ दिए जा रहा था। ये देखो अल्ट्रा बॉल मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा था। तो गाइज बहुत ही सारे स्टार्टिंग में जैसे हमें मॉन्स्टर ऑफ ग्लोरी में भी मिला था, रिवॉर्ड्स मिलते जाते हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर भी बहुत सारे रिवॉर्ड मिले गाइज। एंड ये गेम को तो भाई मैं कसम से बोलूँ इतना लंबा मैंने वीडियो बना दिया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, सच्ची में कुछ नहीं समझ आया। मेरे को सब समझना पड़ेगा ये गेम धीरे धीरे कैसा रहता है। और भाई ये गेम का ग्राफिक बहुत ही ज़्यादा सही लगा। एंड ये गेम बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी खेल रहे हैं गाइज, मैंने देखा था बहुत सारे यूट्यूबर खेल रहे हैं। तो आई थिंक ये गेम थोड़ा पॉपुलर हो जाएगा, मॉन्स्टर ऑफ ग्लोरी से तो थोड़ा ज़्यादा ही पॉपुलर रहेगा आई थिंक सो। और भाई इसका ग्राफिक भी बहुत ही अच्छा है, मॉन्स्टर ऑफ ग्लोरी में तो गेमिंग ग्राफिक है लेकिन यहाँ पर गाइज रियलिस्टिक ग्राफिक है। एंड यहाँ पर देखना आप, अभी मैं फाइट लूँगा तो फाइट देखना कितना ही सही रहेगा गाइज। तो ये फाइट में भी मुझे ट्यूटोरियल देते रहता है, ये करो वो करो, जैसा कि मॉन्स्टर ऑफ ग्लोरी में देता है वैसा ही यहाँ पर भी सेम ट्यूटोरियल गाइज दे रहा था मुझे। तो यहाँ पर भाई देख सकते हो नेट, भाई इसमें ये गेम खेलने के लिए बहुत ही अच्छा नेट चाहिए। मेरा नेट बहुत ही हाई स्पीड में है फिर भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा लेट लोड कर रहा था। एंड ये देखो मेरा गेम मोबाइल कैसे लैग कर रहा है गाइस। एंड भाई ग्राफिक देखना आप, भाई साफ फाइट करते हो जो मज़ा आएगा इसमें, मतलब ग्राफिक कितना ही अच्छा है ये गेम का, मैं मेन वो कह रहा हूँ। एंड गाइस यहाँ पर पिकाचू को मैंने चूज़ करा था जो कि ऑब्वियस है भाई, पहला पोकेमॉन पिकाचू ही रहने वाला सबका। एंड यहाँ पर थंडरबोल्ट जो कि ऑब्वियस है, पहले इसने कहा था स्पीड अप करने के लिए उसके बाद थंडरबोल्ट करने के लिए। एंड ये देखो भाई कितना ही ज़्यादा अच्छा ग्राफिक है। एंड आगे भी इन्होंने मुझे टास्क करने के लिए कहा, बहुत सारे टास्क एंड मुझे रिवॉर्ड्स मिलते गए टास्क करते गया, पर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर भाई जैसा वीडियो था मैंने नॉर्मल बना दिया। एंड ये वीडियो इतना लंबा हो गया है पर मैं ये वीडियो को डालूंगा, अगर देखने का मन है तो देखना, नहीं देखने का मन तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। एंड गाइज ये वीडियो ये गेम बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आगे भी मैंने शायद बोला है या नहीं, क्या फिर म्यूज़िक में ही बोला था आई डोंट नो, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर लिंक मैंने दिया है ये गेम का और वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये गेम गाइज नेपाल में ये गेम अभी तक अलाउड तो नहीं था, पर ये खेल तो सकते हैं पर इसमें टॉप अप नहीं कर सकते।
तो इंडिया में मैं भी आप लोग टॉप अप कर सको, पर ये गेम अगर मैं तभी खेलूँगा जब मुझे ये गेम में अच्छा रेस्पॉन्ड आएगा, मतलब आप लोग का रेस्पॉन्ड अच्छा रहना चाहिए। लाइक आप लोग को अगर अच्छा लगे ये गेम तो ही तो कमेंट करना, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, वरना तो मैं नहीं बनाऊंगा। एंड यहाँ पर ये मेरे को फाइट ही करने बोला था इधर उधर, अभी भी देखना मैं रिवॉर्ड ही कलेक्ट करूँगा। यहाँ पर भी हम लोग जैसे पोकेमॉन पकड़ते हैं वैसे ही पोकेमॉन पकड़ना पड़ता है, लाइक जंगल में जा कर के ये देखो यहाँ पर खोजना पड़ता है। एंड यहाँ पर शायद मैंने पोकेमॉन ही पकड़ा था मैं भी, हाँ गाइस यहाँ पर मैंने फिर से चार्मेंडर पकड़ा था, लेकिन मेरे पास पहले से ही था एक, तो इसे भी पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं था। पर इन्होंने मुझे कहा कि ऐसे से पकड़ना है, तो ये पोकेबॉल वगैरह फेंक के पकड़ना है, तो ये नॉर्मल है गाइस, जैसा हमारे गेम में वैसा ही है इसमें भी। लेकिन इसमें गाइस लेवल बहुत ही जल्दी बढ़ रहा था, आई मीन पावर बहुत ही जल्दी बढ़ रहा था मेरा, 700 पावर ऐसे ही पहुँच गया था। अपने गेम में तो 700 पावर पहुँचाने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। एंड ये गेम मुझे भाई सही लगा, अगर आप लोग को भी सही लगे तो कमेंट करना। एंड आगे मैं आई डोंट नो क्या बोलूँ, वहाँ पर जब मैं गेम खेल रहा था तब मैं अच्छे से बोल पा रहा था मुझे, लेकिन उस टाइम में भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर देखो लेवल अप ऐसे ही हो रहा है एकदम इजीली। एंड यहाँ पर मुझे भाई ये गेम में सबसे मेरे को ख़राब क्या चीज़ लगा, स्क्रीन देखो यार, स्क्रीन पूरा भरा हुआ है, मतलब क्या करे क्या नहीं करे, मतलब अगर फर्स्ट टाइम कोई आदमी आए तो पागल हो जाएगा, जैसे कि मैं पागल हो गया था, मैं क्या करूँ नहीं करूँ। और यहाँ पर गाइस, यहाँ पर हमने अपना चार्मेंडर को इवॉल्व करा था 4 मिलियन में, तो ये देखो हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं। एंड चारिज़ार्ड को देखो भाई कितना ही अच्छा लग रहा है चारिज़ार्ड, तो हम लोग चारिज़ार्ड में भी इवॉल्व कर लेंगे आगे जा कर के। और ये मेरा गेस्ट अकाउंट था, तो ये अकाउंट तो मैं खेलने वाला नहीं, और जब मैं लॉगिन करूँगा अपने मतलब फेसबुक या फिर जीमेल वगैरह से तो जाके मैं अच्छे से खेलूँगा। ये बस आप लोग को दिखाने के लिए था। ये देखो मेरा पावर 699 हो चुका था। एंड यहाँ पर फिर से मुझे फ़ाइट करने के लिए कह रहे थे ये लोग, तो फिर से मैं जाता हूँ फ़ाइट करने के लिए। फ़ाइट करने मुझे लगा फ़ाइट करने के जाता है, लेकिन फिर से वही रिवॉर्ड वगैरह मिले, लेकिन ये लोग रिवॉर्ड ही देते रहेंगे उसके बाद फ़ाइट भी करने के लिए बोलते हैं। एंड यहाँ पर जैसे हमारे गेम में कैंडी देते हैं वैसे यहाँ पर भी कैंडीज गाइस वही नॉर्मल है, तो हमारे गेम से थोड़ा मिलता जुलता है, पर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी है, मतलब हमारे गेम से ज़्यादा ऑप्शंस है एंड ग्राफिक्स भी अच्छे हैं। हमारे गेम से तो बहुत ही अच्छे ग्राफिक है यार, इसमें तो नो डाउट। एंड इसे नॉकटावल को मैंने पकड़ा था अभी, नॉकटावल बोलता हूँ, रॉलेट को मैंने पकड़ा था सफारी में, रॉलेट को मैंने शायद नहीं पकड़ा था, किसी और पोकेमॉन को पकड़ा था। रॉलेट मुझे ऐसे ही फ्री में मिल गया था, ये देखो मेरे बैग में आ चुका है। एंड आगे देखते हैं, आगे मेरे को भी याद नहीं है यार, इतना लंबा वीडियो था मैं तो भूल ही गया, तो आगे इस बच्चे से मैं फ़ाइट करता हूँ। हाँ हाँ इसे तो पक्का मैं फ़ाइट करता हूँ, और इसे भी इजीली हरा देता हूँ। और यहाँ पर मैं चाम वगैरह भी यूज़ करने का कोशिश करता हूँ, पर चाम वही है गाइस अटैक -2 कर दे रहा है। एंड अगर आप टॉप अप कर सकते हो तो, अगर इसमें $99 का अगर आप टॉप अप करते हो गाइस, तो भाई आपको मेगा ग्रॉडन मिल जाएगा, वो भी मेगा ग्रॉडन जेड, जो कि मैंने अभी तक देखा नहीं, मेगा ग्रॉडन जेड आज तक मुझे नहीं पता, ना ही मैंने एनएमए में देखा ना ही अपने गेम में देखा। तो यहाँ पर बहुत ही सारे पोकेमॉन ऐसे भी है जो हमारे गेम में नहीं है लेकिन यहाँ पर है। और गाइज यहाँ पर वॉइस ओवर करते करते फाइनली मुझे पता चल गया था यहाँ पर अब कैसे साउंड को कम कर सकते, तो आगे नॉर्मल जो गेम में मैंने बोला वो आप सुनो। ओ नाउ अब मैं आराम से आप सभी से बात कर सकता हूँ। तो ये क्लासिक है या न्यू एडिशन है, क्लासिक में कैसा है, न्यू एडिशन कैसा, वो भी म्यूज़िक ही है। एंड ग्राफिक्स देखो गाइज, ग्राफिक में हाई में कर लेता हूँ क्योंकि भाई मज़ा आ रहा है। एंड डिस्प्ले प्लेयर्स 20, ये क्या, चलो जितना में था उतना ही में रख लेते हैं। एंड हमारा अकाउंट ये रहा गाइस, नॉर्मल अकाउंट, तो इसका नाम वगैरह ये लोग खुद दे दिए हैं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, ये लोग खुद दे दिए हैं। और ये मैंने गेस्ट अकाउंट से ही बनाया, अभी तक तो अपना अकाउंट बनाया भी नहीं है। मॉडिफाई कर लेते, अपना नाम लिख लेते हैं, तो अपना नाम गाइस मैंने लिख दिया है। एंड आई डोंट हैव नेम कार्ड, अच्छा नाम चेंज कर लेकिन नहीं, नेम कार्ड भी चाहिए होगा। एंड ये क्या है, पोकेमॉन स्टार्टअप मेन, एंड
आई डोंट नो ये क्या है गाइस। और इधर ये क्या भाई, सबसे पहले हम लोग इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये देखो भाई कितना ही ग्राफिक, देखो भाई ग्राफिक मज़े आ गए। एंड ये हमारा मैप है, हम लोग आगे जाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अभी तो अपन अपने सिटी में है, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। एंड ये सारे पोकेमॉन्स वगैरह हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा पर मेरे को क्यों लग रहा है ये गेम बहुत ही अच्छा होगा। हाँ टू गेट, ये क्या भाई, हम लोग ये पोकेमॉन पकड़ सकते हैं क्या? अच्छा यहाँ पर ये पोकेमॉन सब है वाइल्ड पोकेमॉन, तो ये वाइल्ड पोकेमॉन को हम लोग पकड़ सकते हैं। तो ये देखो ये खोज रहा कितना स्पीड में। अच्छा यहाँ पर है तो अपन पकड़ेंगे, उसका हेल्थ थोड़ा कम करेंगे, उसके बाद पोकेबॉल। अरे होपी होपी, हाँ गाइस होपी, थंडर शॉक देते हैं, मर मत जाइए। अरे 28 बहुत ही कम, फिर से देते हैं थंडर शॉक, पैरालाइज्ड। ओ भाई ग्राफिक देख रहे हो, ग्राफिक देख रहे हो, वो गुस्सा जाता है, वो सैड हो जाता है। एंड चार करके देखते हैं, चार अटैक -2। ओ भाई उसने रिकवरी करा, ये क्या कर रहा है भाई, डिफेंस रिड्यूस, मतलब मेरा डिफेंस रिड्यूस करे जा रहा है। एंड अब हम उसे पकड़ेंगे, अपन पॉकी बॉल, वेरी जाओ पॉकी बॉल बैग, पॉकी बॉल एक ग्रेट बॉल, अपन के पास 10 ही है तो ग्रेट बॉल फेंक के देखते हैं क्या होता है। तो भाई ये गेम तो इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट ही चाहिए मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई मेरा स्पीड इतना हाई है फिर भी इतना लो कर रहा है, मतलब इतना कम लोड कर रहा है ये, मतलब लोड करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है। पर देखते हैं और आगे क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको ये गेम खेलना है गाइस तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो, मैंने वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। एंड गाइस ये गेम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल, मैंने देखा है साउल मर्सी को भी मैंने देखा था, वो भी गेम ये वाला खेलता है, रेगुलर लाइव स्ट्रीम करता है उसका। तो भाई ये गेम अभी तक तो मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि इसका ग्राफिक गाइस, ग्राफिक कितना ही अच्छा लग रहा है मेरे को, क्या ही बोलूँ, मेरे को ग्राफिक इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड हम देखते हैं पिकाजू को राइकू में बदल सकते हैं या नहीं, पर हम देखेंगे, हम बदलेंगे नहीं, पिकाजू को पिकाजू ही रहने देंगे। हाँ क्योंकि भाई पिकाजू इज़ बेस्ट। एंड ये अपने पास पपीलो, पपीलियो भाई साहब, यार मैं आज तक सही से कभी भी पोकेमोन को प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट नो क्यों। अपने पास, अरे भाई अपने पास बहुत सारे पोकेमोन हो चुके हैं, लेकिन ये गाइस ये गेम में थोड़ा क्या है, मतलब स्क्रीन पूरा भरा हुआ है, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है गेम खेलने में, मुझे समझने में ही दिक्कत हो रहा है मेरे को, अभी तक कुछ समझ नहीं आया ना इसके बारे में, मैंने किसी को वीडियो भी देखा उतना बढ़िया से, मैंने वीडियो वगैरह भी नहीं देखा। चलिए चैलेंज करते हैं हम लोग, एंड इसमें रेड करना होता है तो रेड कर लेते हैं, फाइट कर लेते हैं, रेड नहीं। अरे भाई ये मेरे को कुछ करने ही नहीं दे रहा है। एंड ये गेम कैसा रहता है गाइस ये तो मैं अब क्या ही बोलूं, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा ये गेम का, मैं वीडियो डालूं नहीं डालूं आगे ये आप लोग बताना मुझे। एंड ग्राफिक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड ये गेम का वीडियो भी मैं डालूं या नहीं ये भी आप लोग कमेंट में भाई लिखना, ताकि मैं समझ सकूं आप लोग को देखना है या नहीं। एंड ओ भाई आर्टिकुनो को देखो, बहुत ही सही लग रहा है। एंड यहाँ पर हम लोग रिवॉर्ड ले सकते हैं एंड चैलेंज, तो ये भाई अच्छा ही गेम लग रहा है मेरे को। इसमें मतलब सर्वर भी ज़्यादा नहीं है, 5 ही सर्वर है, तो आप लोग अभी नया ही गेम आया है, मे भी मैंने तो उतना डिटेल से नहीं देखा है, पर मेरे को लग रहा है नया गेम आया है। तो चलो अल्ट्रा बॉल से हम लोग पकड़ लेते हैं इसे, तो हम लोग पहले ही पकड़ चुके हैं इसे, तो हम क्यों पकड़ रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। एंड अब क्या ही बोलूँ गाइस, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा गेम, मेरे को लग रहा है एकदम नूबड़ा हूँ मैं, नूबड़ा। ऑल दो हम लोग मॉन्स्टर ऑफ ग्लोरी खेल चुके हैं तो उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत तो हो सकता है। एंड गाइस अरे यार क्या ही पासिंग बाय, चलो यहाँ से हटते हैं पहले। एंड यहाँ पर हम लोग ये वगैरह देख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कैसा रहता है। तो नेक्स्ट डे लेजेंडरी ये क्या है ये हम देख लेते हैं। तो लॉगिन, चलो लॉगिन करने से हमें ये रिवॉर्ड मिला, चलो सही है।
सेकेंड रिवॉर्ड, ये सब लॉग इन करने से मिल सकता है। एंड हमें पोकेमॉन्स भी मिल सकते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड मिल सकते हैं। अरे भाई भाई, ये सब परमानेंट मिलेगा क्या? एंड वीआईपी ग्रोथ, अच्छा वीआईपी ग्रोथ देख लो गाइस, वीआईपी ग्रोथ अपने गेम में भी है, आपको पता होगा वीआईपी 2 में हमें मिल सकता है। तो भाई $14 में अगर हम ये बाय करते हैं, भाई भाई भाई, टेम्पलेट नॉट सपोर्टेड इन योर कंट्री, ओ माय गॉड, अपने कंट्री में तो अभी तक सपोर्टेड नहीं है, नेपाल में नहीं है, इंडिया में हो सकता है गाइस। वीआईपी कार्ड एंड मंथली कार्ड ये वगैरह क्या है, एंड बेनिफिट इवेंट, ओ भाई कितने सारे पोकेमॉन मेगा सेट्स, तो ये कौन सा पोकेमॉन का है पता भी नहीं यार, ये मेरे को पता भी नहीं कौन सा पोकेमॉन है। यहाँ पर भी पोकेमॉन लकी गिफ्ट पैक, आई डोंट नो ये सब क्या है। एंड डेली लिमिट्स में हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ओ भाई डाल गया, तो क्या हमें ये मिल सकता, पर कैसे 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 परचेज, अच्छा 7 दिन तक परचेज करना है, ओ भाई परचेज करना तो है पर क्या परचेज करूँगा, इसमें क्या मेन चीज़ होता है, अपने में तो डायमंड होता है गाइस, इसमें आई डोंट नो क्या रहेगा। एंड यहाँ पर हम लोग डाल क्या ले सकते हैं भाई, सबसे बड़ी बात S5 मूव्स वगैरह भी देख लेते हैं, ओ भाई ड्रैगन ब्रेथ ये सब तो अपने अपने गेम में भी है, तो ये सब तो सही रहता है। एंड टॉप अप करना पड़ेगा, टॉप अप देखते हैं, ओहो भाई क्रिस्टल टॉप अप कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं VIP 1 में हमें बहुत ही सारे, अरे ये तो नॉर्मल में जो है उसी की तरह लग रहा है। एंड ये वगैरह पैक्स है, तो ये VIP 0 कर सकता है कलेक्ट। एंड भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये गेम कैसा है, पर जो है मैं दिखा रहा हूँ। एंड VIP 15 में हमें Mew 2 मिलेगा फाइनली, और VIP 15 मेरे को समझ में आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड हम लोग इसे बाय कर सकते हैं, अच्छा ये नॉर्मल अपने गेम के तरह है गाइज, अपने गेम में डायमंड्स है तो यहाँ क्रिस्टल है। एंड आगे देखते हैं इवेंट्स वगैरह, क्या इवेंट्स है इसमें, इसमें भी रिव्यू वीडियो बना लेते हैं गाइज। एंड ये सेकंड है ऑनलाइन गिफ्ट क्लेम नाउ, तो ये क्या है, प्रीवियस क्लेम नाउ क्लेम करते हैं, अच्छा जितना देर तक हम लोग ऑनलाइन रहेंगे तो इसे यहाँ से भी गिफ्ट मिलता, तो सही है। VIP गिफ्ट एंड ये तो हम लोग चेक कर चुके हैं, लेजेंडरी स्टोर, तो यहाँ पर है लेजेंडरी स्टोर जनरेशन 2 जनरेशन 3, हम लोग लास्ट जनरेशन जाके देखते हैं जनरेशन 7 में, जहाँ पर यहाँ पर हमें काटाना सही लग रहा है। एंड एक्सचेंज कॉस्ट, ओ भाई साहब टापू को दिखा रहा है लेवल 1 का, पर ये टापू को तो है नहीं, टापू लिली, ओ भाई मतलब अलग ही नशा करके बैठा हो, अलग ही नशा, ओ भाई निकॉर्स मार क्या बोलूँ, चलो ये सही दिखा है टापू फिन, तो इसमें टापू फिन भी है गाइस, हमारे पोकेमॉन में अभी तक टापू फिन आया नहीं है, फिनी सॉरी टापू फिनी अभी तक आया नहीं है, टापू लिली टापू कोको, भाई इसमें भी हमारे गेम के ही तरह सेम नॉर्मल ही है, लेकिन भाई ग्राफिक्स आई जस्ट लव ग्राफिक्स गाइस, ग्राफिक कितना ही अच्छा है देखो, ओ और यहाँ पर हमें ज्रेड देख लो, ये गोड्रा देख लो, ये सब भी बहुत ही सही है। एंड हमारा फ्रॉगी एंड हमारा ग्रीन इंजा एंड हमारा होप्पा एंड जरनास, आई साहब जैक्रॉम, तो ये सब पोकेमॉन्स हम लोग ले सकते तो है। फाइटिंग पिकाजू जो कि कॉम्बैट पिकाजू एंड भाई हिटरन वगैरह ये सारे ले सकते, ओ भाई RCS भी ले सकते, ओ भाई साहब मतलब कुछ भी हम लोग RCS तक ले सकते हैं गाइस। ओ ये देखो ये अगर हम लोग बाय करते हैं तो हमें ये वगैरह मिलता है, लूगिया मिल जाता है, ग्रोडन रेक्वाजा हो भाई साहब ये सारे मिलेंगे क्या। एंड ये नॉर्मल पैक है इधर का, इधर बाय 10 times तो क्या है ये, अबे अबे मैंने क्या बाय कर दिया, यू डोंट हैव क्रिस्टल, ओके एंड फर्स्ट परचेज में जाके देखते हैं, ओ हो भाई प्रीमियम वाले में Mew 2, अरे भाई साहब
एंड म्यूटू मिल जाएगा उसका भाई, एक्सप्लोसिव गियर गियर वगैरह मिल जाएगा म्यूटू का, एंड डीलक्स ओ मेगा ग्रोडन जेड भाई साहब, $99 का टॉप अप। अब भाई ये देखो डार्क रे मिल जाएगा हमें सिर्फ $1 का टॉप अप करने से, एंड देखते हैं टॉप अप में क्या आता है। नॉट सपोर्टेड इन योर कंट्री, तो अगर मुझे टॉप अप करना है इस गेम में तो हमको वो करना ही पड़ेगा, मतलब VPN यूज़ करना पड़ेगा, पर अपन टॉप अप नहीं करेंगे। एंड फ्री गिफ्ट में जाकर देख लेते हैं फ्री गिफ्ट में क्या मिल रहा है। क्रिस्टल मिल रहा है, ओहो नहीं 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 गाइस, अपन कुछ डाउनलोड नहीं करेंगे। हट जा, मिस्ट्री पैक में भी देख लेते हैं। तो भाई मैं तो उसी टाइम से रिव्यू ही कर रहा हूँ, क्या ही कर रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ से हो सकता है, ये मेन्यू है, मेन्यू में भाई बहुत ही गाइड वगैरह है, अनलॉक रिसर्च। तो यहाँ पर अपना पोकेडेक्स है, यहाँ पर हम लोग मे भी अपना पोकेडेक्स के जैसा ही है सेम। तो यहाँ से हम लोग भाई सारे पोकेमोन का मूव्स वगैरह देख सकते हैं। एंड ये रीसेट क्या है, सूट ओह अपन अपना सूट भी चेंज कर सकते हैं, एंड वगैरह वगैरह क्या क्या है भाई। वीडियो आई नो गाइस बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, पर मेरे को समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। टास्क वगैरह है एंड पोकेमोन है, बैग में देख लेते हैं। बैग में टेक्निकल मशीन से एक भी नहीं, कंज्यूमेबल कुछ है, एंड ये मटेरियल ये क्या है भाई, ये कार्ड से क्या कर सकते हैं। अच्छा ये हम लोग पोकेमोन ले सकते हैं, तो अभी मैं बस 3 या 20 करूँगा तो ये ले सकता हूँ। भाई कहाँ से आया 3 मेरे को ये भी समझ नहीं आया गाइस अभी तक। एंड आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या है इस गेम में। ऊपर देखो रैंकिंग वगैरह है, सीक्रेट बेस फंक्शन इज नॉट अलाउड नॉट अवेलेबल, एंड साइन इन वगैरह है, साइन इन मैंने नहीं करा इसलिए साइन इन दे रहा है। एंड ये चैलेंजेस टीम, अभी तक हम लोग टीम में नहीं है, लेवल 30 तक पहुँचना पड़ेगा। एंड यहाँ पर देखो मैप देख सकते हो आप, यहाँ से आप लोग पोकेमोन देख सकते हो, आई डोंट नो क्या है मेरे को भी समझ नहीं आया गाइस। एंड ये वर्ल्ड ओ भाई ये रहा वर्ल्ड, ओ भाई ये तो पूरा मैप ही बनाया, बहुत ही बढ़िया मैप है। अच्छा वी कैन ज्वाइन, ये क्या था भाई अभी हमने क्या 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 प्लेस कर दिया था। अच्छा वी कैन ज्वाइन द गाइड H5 युवराज एलन वॉकर, अरे भाई भाई कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या क्लब है क्या, मे भी क्लब ही हो सकता गाइस। मेरे फ्रेंड ने बताया ये गेम, तो वो खेलता है, उसने टॉप अप भी करा भाई, उसके पास तो कायग्रे का माउंट भी है। तो धीरे धीरे हम भी देखते हैं कैसा रहता है ये गेम, अभी तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया है। एंड लकी रिवॉर्ड में देख लेते हैं क्या है, 10 times, ओ भाई मैंने 10 times कर दिया, मैंने डायमंड्स खर्चा कर दिया। एंड यहाँ पर हमें ये मिल सकता है, ये पोकेमोन मिल सकता है, तो कोई ना गाइस भाई गेम तो ऐसा ही है नॉर्मली मेरे को लग रहा है, अपन अपने गेम की तरह अगर अपन सीख जाएं तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं इसे सीख करके मैं इसका दोबारा होगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग कमेंट करो। अगर आप लोग को मतलब वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। एंड गाइस मैं थोड़ा लेस एनर्जेटिक लग रहा हूँगा क्योंकि भाई रमज़ान है, आप सभी को पता है, रमज़ान में मैंने रोज़ा भी रखा है, तो रोज़ा रख के भी इतना मैं कह रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, पर भाई थोड़ा एनर्जी लो लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है मेरे को ये गेम अच्छा नहीं लग रहा है भाई, गेम तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मैं एनर्जेटिक रहता तो और अच्छे से समझा पाता, पर अभी आकर आपको डाउनलोड करना है और कुछ सीखना है, अगर आप सीखोगे तो मुझे भी सिखा देना गाइस, मेरे गरीब का भी फ़ायदा कर देना। एंड मैं अपने फ्रेंड से भी सीखूंगा कैसा रहता है ये गेम। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, और आज की वीडियो में मैं वो फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, मैं एडिट वगैरह नहीं करूँगा, जैसा गेम मैंने देखा वैसा ही मैं डाल दूँगा। एंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड हम लोग 1500 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं, आई थिंक आज के वीडियो के बाद मैं पहुंच जाऊंगा, तो गिव अवे भी मैं रखूंगा गाइस,
तो गिव अवे मैं कैसे रखने वाला हूँ, इस बार का गिव अवे बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो कुछ सरप्राइज रखा हूँ, तो वो गिव अवे मैं करूँगा। एंड गाइस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी को रमज़ान का बहुत ही ज़्यादा मुबारक। रमज़ान का महीना बहुत ही अच्छा रहता है गाइस, बहुत ही अच्छे वाइब्स आते हैं। एंड गाइस कमेंट करना कैसा लगा ये गेम, इस गेम में आगे वीडियो चाहिए या नहीं, मैं ये गेम में भी थोड़ा पावरफुल बन के मैं वीडियो बनाऊंगा, या फिर अपने फ्रेंड का ही आईडी लेकर के मैं उससे भी वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताना। और गाइस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।